मतलब मैं बहुत सारे रिसीवर बाइंड कर सकता हूँ। ये जो 3 है, 3 की सेटिंग्स इसमें है, इस वाले की 1 पे है, 1 पे, ठीक है। इसको एंटर करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं। ये देखो फ्लैश का 1 आ गया। अब देखना RX आ गया लिखा, ये परमानेंट चल रही है, बाइंड है ये। कनेक्ट करो उसको, वो तू देखा क्या हुआ? ठीक है, मोटर चल रहा था लेकिन क्या था, करंट तो मिल गया था ना उसको, पावर मिल गई थी। ठीक है, पल्स देते हैं ना, 3 पल्स देते हैं। जो एरर आ रहा था, नो इनपुट चला गया। ठीक, आपको ठीक है। इसकी नंबरिंग कर ली थी? यस सर। 1 2 3 4, तो 1 1 में है, ये 2 है, 3 4 4 है। ठीक, आर्म यहाँ होता है, डायरेक्शन चेक करो इसका, मोटर्स की। सही है ये? यस सर। इसका ब्लॉक होना चाहिए, ये सही है। इसका एंटी ब्लॉक होना चाहिए, ये इसका बदलना है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बदलना है, बस बदल दो इसको। कनेक्शन ठीक है, हो गए। ये नट बोल्ट खुल गया तुम्हारे, टाइट करो इसको, ठीक है, कर लेना, ये निकल गया वो। ठीक, अब आखिरी बचा है इसका कैलिब्रेशन। सब लोग लंच निकल गए। यस सर। कैलिब्रेशन करेंगे कैसे, ये 2 बटन प्रेस करो आप, कर दिया? यस सर। बैटरी कनेक्ट करेंगे, अभी छोड़ना मत, इसको डाउन करेंगे, ये साउंड आता ना, हो गया कैलिब्रेशन, छोड़ दो आप। चलो ठीक है, हो गया सेटअप। जो बताया था कल, उसमें CW लिखा हुआ था, CW नहीं रहता इसमें। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा रहता है, 10 × 4.5 लिखा है, 10 इंचेस का डायमीटर हो गया, 4.5 इंच की पिच हो गई, और क्लॉकवाइज वाले में 8।